हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्रैडकॉम ग्रुप के तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है बोनस के बारे में। आप जानते हैं कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जी बिज़नेस के ऊपर उनके बारे में बोनस के बारे में काफ़ी हंगामा हुआ और उन्होंने कॉल किया था एक्सचेंज को, उनके RTA को वगैरह वगैरह से बताया मैंने कल आपको। उसके बाद में ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से अपडेट आया, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आया है, क्योंकि मैं बार बार वीडियो में बता रहा था कि क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है मैनेजमेंट की तरफ से। और आखिर में जब जी बिज़नेस में उनकी एक तरह से बदनामी होने लग गई ब्रैडकॉम ग्रुप की, तो उन्होंने आज अपडेट दिया है बोनस में क्या प्रॉब्लम है और कब मिलेगा उसके बारे में। इस अपडेट में ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि कल एक बिज़नेस चैनल के ऊपर बोनस के बारे में क्वेरी निकाली गई थी, उसके लिए हम लोग ये अपडेट दे रहे हैं, आप लोगों को इंटीमेट कर रहे हैं। और उन्होंने इसमें कहा है कि देखिए, दोनों भी एक्सचेंज का हमने सब प्रोसीजर पूरी कर ली है और हमारे बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर का अप्रूवल रेजोल्यूशन, ऑडिटर सर्टिफिकेट सब भेज दिया है बोनस के बारे में। पर उन्होंने ये बताया है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था January 23 को, January 25 को, February 3 को और March 9 को। जो लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट किए गए थे, वो शंकर जी शर्मा हो या बाकी इन्वेस्टर्स हो या FII हो, तो उन लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉटमेंट के लिए दोनों भी एक्सचेंजेस को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। और उन्होंने इसलिए पेंडिंग रखा है बोनस का इश्यूएंस क्योंकि ये अप्रूवल आने के बाद वो चाहते हैं कि जिनको प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको भी बोनस शेयर्स मिलना चाहिए, वो भी एलिजिबल होना चाहिए बोनस शेयर्स के लिए। इसीलिए एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उन्होंने होल्ड करके रखा है बोनस का इश्यूएंस, बिकॉज ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को कि हमको भी बोनस मिलना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने कहा है कि फाइनल अप्रूवल जो है वो 13 मई तक आने की उम्मीद है उनको, मतलब कल तक दोनों एक्सचेंज से। और जब वो अप्रूवल आ जाएगा तो ब्रैडकॉम ग्रुप सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को और सभी को 19 मई तक बोनस शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करने का उन्होंने अश्योरेंस दिया है ऑन और बिफोर, मतलब 19 मई तक मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 19 मई तक सबके डीमैट अकाउंट में बोनस शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन से ब्रैडकॉम ग्रुप ने इंटीमेट किया हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बारे में हम लोग आपको अप्डेट करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कल अगर अप्रूवल मिल गया एक्सचेंजेस से तो वो भी शायद नोटिफिकेशन कल ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से आएगा और बोनस इशू होने का जो प्रोसीजर है वो क्लियर हो जाएगा और बोनस सबके डीमैट अकाउंट में आते भी दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो काफ़ी बोनस के बारे में एक कंफ्यूजन था वो क्लियर होते हुए दिख रहा है अभी, तो काफ़ी आप लोगों को रिलीफ होगा। ऊपर आज अगर देखा जाए तो ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया है ये बोनस के डिले के कारण, और आज भी करीब करीब लोअर सर्किट के आसपास चल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर, 62 तक आ चुका है अभी, हो सकता है लोअर सर्किट लग जाए अभी ब्रैडकॉम ग्रुप में, क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पोजिशन है, अब यहाँ से सवाल ये है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप भी ज़रूर बताना कमेंट करके, आपको क्या लगता है यहाँ से रिबाउंस करेगा कि नीचे 50 रुपीज़ तक जाएगा ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। और अभी बोनस शेयर्स 19 मई तक सबको मिल जाएंगे, तो जिन लोगों को टेंशन था उनके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। सो जस्ट रिलैक्स एंड वेट, आगे क्या होता है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।